हे एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्राइसिटी प्रॉपर्टी गुरु में। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ न्यू चंडीगढ़ ओमेक सिल्वर ब्रिज फेज टू में, जहाँ पे मैं आज आपको टूर करवाने वाली हूँ एक प्रीमियम 4+1 BHK अपार्टमेंट, जो आपको मिलेगा सेमी फर्निश्ड। एंड अगर आप यहाँ पे अपार्टमेंट बाय करते हैं तो इसी के साथ आपको एक्सेस मिलता है ओमेक्स की लग्जूरियस एमिनिटीज में भी। हम करेंगे वीडियो को शुरू, बट आप थोड़ा सा अपार्टमेंट का आइडिया ले लीजिए पहले विद सम ग्लिम्प्स। गाइज, आज मैं आपको लेकर आई हूँ ओमेक सिल्वर ब्रिज फेज टू में, जहाँ पे आज मैं आपको एक प्रीमियम 4+1 BHK अपार्टमेंट दिखाने वाली हूँ। बट अंदर जाने से पहले आप बाहर का आउटर स्पेस देख लीजिए। यहाँ पे जो ग्रीनरी है वो कितने अच्छे से मेंटेन करी गई है, जो आपके ये इनर रोड्स हैं वो कितने ज़्यादा वाइड हैं यहाँ पे, एंड आप पार्किंग के स्पेसेस यहाँ पे देख लीजिए। जो आपका बिल्डिंग रहेगा उसके बिल्कुल बाहर पार्किंग के स्पेसेस आ जाएंगे, जो आपके पर फ्लैट्स को अकॉर्डिंगली डिवाइडेड रहेंगे। एंड यहाँ से हम एंटर करेंगे हमारे आज के 4+1 BHK में। ये जो आप यहाँ पे बिल्डिंग देख रहे हैं, इसके फर्स्ट फ्लोर पर आज मैं आपको आज का हमारा अपार्टमेंट दिखाने वाली हूँ, जो कि G+2 कंसेप्ट के साथ आ जाता है। तो आइए चलते हैं अंदर। तो यहाँ है हमारा आज का 4+1 BHK अपार्टमेंट, जिसमें एक्सेस करने के लिए आप स्टेयरकेस का यूज़ कर सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द आउटर साइड आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपका पूरा वॉल है इस पर स्टोन वर्क किया गया है। एंड यहाँ पे जैसे आप एंट्री करेंगे, सबसे पहले आपका मैश डोर आ जाता है, एंड उसके बाद आपको एंट्री में ही एक काफ़ी अच्छा पैसेज यहाँ पे मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी है। एंड यहाँ पे एंट्री में सबसे पहले आपका स्टोर रूम आ जाएगा, जिसको आप बहुत ही तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। अपना जो भी ऐसा सामान है जिसको आप घर के अंदर नहीं लेके जाना चाहते हो, आप यहाँ रख सकते हैं। शू रैक अपना यहाँ पे रख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे दी गई है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका मेन डोर। सो एंटर करते ही सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा आपका बिल्कुल रनिंग ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया। तो यहाँ पे आप पहले ड्राइंग स्पेस देख सकते हैं, कितना ज़्यादा स्पेशियस है ये। यहाँ पे आप ऊपर फॉल सीलिंग देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल फॉल सीलिंग डिज़ाइन किया गया है, एज इट इज़ मिलने वाला है आपका एसी आपको एज इट इज़ मिलेगा। एंड ड्राइंग एरिया के साथ कनेक्टेड यहाँ पे बालकनी भी आ जाएगी। तो आइए चलते हैं बालकनी में। गाइज, यहाँ पे भी आपको दो डोर मिल जाते हैं, एक आपका मैश डोर एंड आपका एक वुडन मेन डोर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू बालकनी से मिल रहा है। ये आपकी फ्रंट फेसिंग बालकनी है, एंड काफ़ी अच्छा स्पेस भी दिया गया है बालकनी में। एंड रेलिंग भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, लाइक सिक्योरिटी के पर्पज से भी काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन करी गई है पूरी बालकनी। सो ये था हमारा ड्राइंग एरिया के साथ कनेक्टेड बालकनी। अब ड्राइंग एरिया के साथ एडजॉइंट यहाँ पे आ जाएगा डाइनिंग एरिया, जिसका स्पेस अगेन आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लाइक रनिंग में है पूरा, एंड काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। ऊपर आप जैसे मैंने फॉल सीलिंग बताया, उसमें आप ऊपर झूमर भी देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सा झूमर इन्होंने यहाँ पे लगा के रखा है, जो कि ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया को बहुत ही एलिगेंट सा लुक दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, आपका लाइक 10-12 सीटर डाइनिंग टेबल यहाँ पे आराम से आ जाएगा। एंड इसी एरिया के साथ अटैच यहाँ पे आ जाएगा आपका किचन, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली पार्टीशन किया गया है विद दिस वुडन डोर, जो कि आपका स्लाइडिंग डोर आ जाएगा यहाँ पे। ये भी आपको यहाँ पे एज इट इज मिलने वाला है। सो मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे आ जाएगा आपका पूरा मॉड्यूलर किचन, जिसमें आप कैबिनेट्स देख सकते हैं एज इट इज आपको मिलेंगे। ये आपको कैबिनेट्स आ जाएंगे, लोअर कैबिनेट्स विद सॉफ्ट क्लोजर, यहाँ पे पूरा नाइट का आपका टॉप आ जाएगा, या आप मिनी फ्रिज यहाँ पे देख सकते हैं, आपको एज इट इज मिलेगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे आ जाएगा आपकी कंप्लीट रेफ्रिजरेटर का स्पेस, लाइक काफी अच्छे से पूरा किचन यहाँ पे डिजाइन किया गया। एंड आपके किचन के साथ अटैच यूटिलिटी एरिया भी बाहर आ जाता है, लाइक बालकनी, जो मैं आपको मास्टर बेडरूम से दिखाऊंगी। सो ये तो रहे हमारे ड्राइंग डाइनिंग एंड किचन। अब चलते हैं रूम्स की तरफ। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा फर्स्ट बेडरूम।
विच अगेन कम्स विद अ गुड स्पेस। इसमें भी आप ऊपर फॉल सीलिंग देख सकते हैं, काफी ब्यूटीफुल सा फॉल सीलिंग ऐड करा गया है इसमें भी। एंड आप देख सकते हैं लाइक अपना पूरा फर्नीचर अगर आप इसमें ऐड करेंगे ना, तब भी आपके पास मूव करने के लिए काफी स्पेस बच जाएगा। इसके साथ यहाँ पे आपका एक काफी बड़ा विंडो दिया गया है, आप देख सकते हैं, एंड आपका बालकनी भी आ जाएगा बाहर, जहां से आपको कंप्लीट ग्रीन व्यू यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये आपका बालकनी आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे भी रेलिंग आपका काफी अच्छा दिया गया है, एंड नीचे आप फ्लोरिंग देख रहे हैं वो सारी एंटी स्किड रहेगी। एंड इस रूम के साथ अटैच आपका वॉशरूम भी आ जाएगा, जो आपका कॉमन वॉशरूम भी है, आपके सेकंड बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड रहेगा। इसमें आप जितनी भी फिटिंग्स देखी आपने, आपका मिरर देखा, वो सारा आपको एज इट इज यहाँ पे मिलने वाला है। सो ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम, अब हम चलते हैं यहाँ पे हमारे सेकंड बेडरूम में। अगेन आप यहाँ पे भी स्पेस देख सकते हैं, ऊपर फॉल सीलिंग देख सकते हैं, काफी ब्यूटीफुली यहाँ पे भी डिजाइन किया गया है विद ऑल एलईडी लाइट्स। जैसे मैंने बताया था कि इसका जो वॉशरूम है वो इस रूम से भी कनेक्टेड रहेगा, तो कॉमन वॉशरूम है दोनों का। यहाँ पे भी आपको बालकनी मिल जाती है, एंड आपका काफी बड़ा डोर मिल जाता है, एंड इस बालकनी में मैं आपको नेक्स्ट रूम से लेके जाऊंगे। अब हम चलेंगे हमारे थर्ड बेडरूम में। गाइस थर्ड बेडरूम में एंटर करते ही सबसे पहले आपको यहाँ पे एक छोटा सा पैसेज मिल जाता है, जिसको आप मल्टीपर्पसली यूज कर सकते हैं, एंड यहाँ पे आ जाएगा वॉशरूम, वो मैं आपको बाद में लेके चलूंगी, पहले हम रूम में चलते हैं। सो ये है हमारा थर्ड बेडरूम। इसमें आप जितनी भी चीजें देख रहे हैं, आपका एलईडी पैनल जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ये आपको एज इट इज मिलने वाला है। आपके कबर्ड सारे आ जाएंगे, ऊपर फॉल सीलिंग देख सकते हैं आप विद एलईडी लाइट, से भी आपको एज इट इज मिलेगा। आपका एसी यहाँ पे आ जाएगा, एंड इसके साथ भी आपकी प्राइवेट बालकनी आ जाएगी यहाँ पे। यहाँ से आप पूरा फ्रंट व्यू देख सकते हैं, जहाँ पे आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगी, सामने आपका रोड आ जाएगा। एंड कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पे आ जाएंगे हमारी कबर्ड्स विद स्लाइडिंग डोर, एंड काफी अच्छा लेआउट भी दिया गया है कबर्ड्स का। एंड उसी के साथ यहाँ पे ड्रेसिंग एरिया भी दिया गया है, लाइक मिरर यहाँ पे लगा रखा है ऑलरेडी, आपको एज इट इज मिलेगा ये भी। एंड हियर कम्स योर वॉशरूम विद ऑल ब्रांडेड फिटिंग्स, यहाँ पे वैनिटी आप देख सकते हैं, मिरर देख सकते हैं, ये सारा आपको एज इट इज मिलने वाला है। एंड यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए आपका विंडो भी प्रोवाइडेड है, एंड एग्जॉस्ट भी आपको ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है यहाँ पे। सो ये था हमारा थर्ड बेडरूम, अब चलते हैं हमारे मास्टर बेडरूम में। So here comes our master bedroom, जहां पे आप फर्नीचर ऑलरेडी इंस्टॉल देख सकते हैं। उसके बाद भी इस रूम में बहुत ज्यादा स्पेस है, लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका बेड इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, साइड टेबल्स रखे हुए हैं, वहां पे आप सिटिंग के लिए दो चेयर्स भी देख सकते हैं, एंड यहाँ पे आपका एलईडी पैनल भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बस आपको अपना एलईडी लाके यहाँ पे लगाना है एंड एंटरटेनमेंट इंजॉय करना है। ऊपर आप यहाँ पे एसी भी देख सकते हैं, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, एंड अगेन आपका यहाँ पे भी फॉल सीलिंग पूरा डिजाइंड आ जाएगा विद एलईडी लाइट्स, जो आप देख सकते हैं काफी ब्यूटीफुल है। एंड मास्टर बेडरूम के साथ भी अटैच आपकी बालकनी आ जाएगी। सो ये आपकी रनिंग बालकनी है, आपके मास्टर बेडरूम, किचन एंड आपके सेकेंड बेडरूम के साथ कनेक्टेड रहेगी। पहले तो आप यहाँ से व्यू देख लीजिए, कितना सुंदर आपको यहाँ पे व्यू मिलने वाला है, पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी देखने को मिल रही है, जहाँ पे भी नजर जा रही है मेरी, आप देख सकते हैं लाइक काफी अच्छा आपको एनवायरमेंट यहाँ पे मिलने वाला है, बहुत ही पीसफुल जब भी आप इस बालकनी में आके खड़े होंगे। सो ये थी हमारी बालकनी, अब हम चलते हैं वॉशरूम एरिया में। सो यहाँ पे एंट्री करते सबसे पहले आ जाएगा आपका कबर्ड एरिया, जहाँ पे आप कबर्ड्स देख सकते हैं, लाइक काफी ज्यादा कबर्ड्स यहाँ पे बनाए गए हैं एंड काफी अच्छे लेआउट के साथ। एंड यहाँ पे आ जाएगा वॉशरूम, काफी स्पेशियस वॉशरूम है, सारी जो फिटिंग्स आपको होके मिलेंगी। यहाँ पे भी आपका वैनिटी जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है विद मिरर, ये भी आपको यहाँ पे एज इट इज मिलने वाला है। फ्लोरिंग आप देखेंगे यहाँ पे पूरा एंटीस्किड फ्लोरिंग आ जाएगा, एंड वॉल्स पे भी आपका पूरा वॉल हाइटेड टाइलिंग मिलने वाला है आपको।
सो गाइज, इसी के साथ हमारे आज के 4+1 BHK अपार्टमेंट का टूर कंप्लीट होता है। अब मैं करती हूँ वीडियो को एंड, बट उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें रिकॉल करवा देती हूँ। आज मैंने आपको 4+1 BHK प्रीमियम अपार्टमेंट का टूर करवाया है, जो कि लोकेटेड है न्यू चंडीगढ़ में, ओमेक्स सिल्वर ब्रिज फेज 2 में, एंड कनेक्टेड रहेगा आपके PR7 इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड के साथ। अगर आप इस अपार्टमेंट को बाय करते हैं, ये आपको सेमी फर्निश्ड मिलने वाला है, जिसमें आपके AC कंप्लीट आपको मिलेंगे, मॉड्यूलर किचन रहेगा जिसमें आपका जो पार्टीशन है वो स्लाइडिंग डोर के साथ कर रखा है ऑलरेडी, एंड आपके एक रूम जो है, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये आपको कंप्लीट फर्नीचर के साथ मिल रहा है, एंड बहुत सारी और भी चीजें इसमें आपको मिल रही हैं। तो आपको ये अपार्टमेंट कैसा लगा है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, एंड अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं, आपकी कोई क्वेरी है, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय।